नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चैत्र अमावस्या, और ये चैत्र अमावस्या के बाद ही चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। संवत बदल जाता है यहाँ पे, यानी हिंदी कैलेंडर का नया साल जो है वो शुरू हो जाता है, नया संवत शुरू हो जाता है, और 2080 शुरू हो रहा है। और ये अमावस्या आखिरी अमावस्या 2079 की, यानी ये संवत खत्म होगा और दूसरा संवत शुरू हो जाएगा। और अमावस्या की काली रात आपके सारे कष्ट हर लेगी, फिर नई सुबह हो जाएगी आपकी शुरू 2080 में। अब आती है बात चैत्र अमावस्या, भौमवती अमावस्या, क्योंकि मंगलवार को पड़ने वाली ये अमावस्या है, तो भौमवती अमावस्या भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। अब भूतड़ी अमावस्या से डर लगने लगता होता हूँ कि या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जादू टोना तंत्र मंत्र इस तरीके की चीज़ें होती होगी। ऐसा नहीं है, इस नाम से कुछ जगहों पे जाना जाता है इसे। लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की काली रात में आपके सारे दुख जो होते हैं ना वो कट जाते हैं, समा जाते हैं, और फिर नया उजाला आपके जीवन में आता है। अब ये अमावस्या कब है, किस तारीख को आपने इस अमावस्या में कौन से उपाय करने हैं, लेकिन 5 महाटोटके इस वीडियो के अंदर है, जिसे आपने ज़रूर देखना है। और उन टोटकों को आपने सिर्फ अपने तक नहीं, बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि ये खास अमावस्या है, इसका खास इम्पैक्ट आपके जीवन में रहने वाला है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। 21 मार्च को जब ये तिथि लग रही है, क्योंकि तिथि पर निर्भर करता है कि कौन सा इवेंट आपने कब मनाना है। ये तिथि लग रही है 21 तारीख को सुबह 1:48 सुबह, यानी 20 की रात्रि, मध्य रात्रि भी से आप कह सकते हैं 20 की रात्रि, क्योंकि आप सूर्य उदय के आसपास उठते हैं, इसीलिए आपके लिए तो ये मध्य रात्रि ही होगी। लेकिन अगर हम तिथि के हिसाब से चलते हैं तो ये सुबह की तिथि मानी जाती है। 21 तारीख की अर्ली मॉर्निंग तड़के 1:48 पर ये तिथि शुरू होगी, और सेम डे नाइट में, यानी सेम दिन ही रात्रि में ये तिथि समाप्त होगी। 21 मार्च को ही रात को 10:53 यानी 10:53 पर ये तिथि समाप्त होगी। तो ये जो अमावस्या का है, ये दिन है, ये सुबह से लेकर रात्रि तक की अमावस्या है। एक दूसरा, ये आखिरी संवत की अमावस्या है, नया संवत शुरू हो जाएगा फिर। और चैत्र अमावस्या वैसे भी बहुत ही विलक्षण अमावस्या होती है। किस तरीके के कार्य हमें करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, 5 ऐसे महाटोटके कहते हैं इसमें ज़रूर करने चाहिए। और भौमवती अमावस्या भी है ये, खास करके भूतड़ी अमावस्या भी इसे कहते हैं, और चैत्र अमावस्या भी कहते हैं। तो 5 महाटोटके कौन से हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाए। पहला, खास करके हर किसी को दिक्कत रहती है कि हमारा काम चलता रहना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि काम रुका तो आप समझ लीजिए सारा सिस्टम कहीं ना कहीं रुक जाता है। वैसे अमावस्या तिथि खास करके पितृदान के लिए, पितृपिंडदान के लिए, या फिर पितृमोक्ष के लिए होती है। लेकिन ये अमावस्या जो होती है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप खास करके विधि विधान करते हैं तो सिर्फ एक नहीं कई हजारों समस्याओं के समाधान आपको मिल सकते हैं। नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है, नौकरी की नई आप ढूंढ रहे हैं, या बिजनेस में आपको दिक्कत आ रही है, या बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आपकी बार बार होती है, तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। एक नींबू ले लीजिएगा, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने इसे वार लेना है 8 times, और इसके 4 टुकड़े कर देने हैं। 4 टुकड़े अपने खुले मैदान में जाकर के एक एक टुकड़ा अपने चारों दिशाओं में फेंक देना है। ये उपाय आप सूर्य अस्त के बाद ही कीजिएगा, और उसके बाद आपने सीधा वापस आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ये उपाय को, ये महा उपाय है, महाटोटका है, अमावस्या की रात्रि, खास करके भौमवती अमावस्या पर अगर इस तरीके का टोटका करते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी,
सिर्फ नौकरी नहीं समस्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी भी इससे रिलीज होगी, यानी आप नेगेटिव एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे। सो नेगेटिव एनर्जी ठीक होगी, उसके अलावा आपका ये नौकरी का जो बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है, व्यापार का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि और लोग भी इस वीडियो के उपाय जो है वो कर सकें। अब दूसरा महा उपाय, क्योंकि महा टोटके हैं 5 महा टोटके, अमावस्या के दिन कहते हैं कि बेजुबानों को अगर हम कुछ खाने के लिए डालते हैं या जल का प्रबंध करते हैं तो हमारे पितर बहुत शांत होते हैं, लेकिन अगर हम चींटियों को आटा डालते हैं तो पितर भी शांत होते हैं और हमारी जितनी भी कठिनाइयां होती हैं जीवन की, कठिन रास्ते, यानी हम जिन रास्तों पर कभी चल ही नहीं पाएंगे, जिन रास्तों पर चल करके हम कभी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, उन सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। और कठिनाइयां जब जीवन में नहीं होती हैं तो राह जो है वो आसान होती है। तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। चींटियों को आटा डालना है, लेकिन ये आटा कच्चा आटा नहीं डालना है, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, और भुने हुए आटे को अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार मार लेना है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा बूरा या फिर हम शक्कर चीनी ये मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी कर दीजिए, वो आटा ले जाकर के आपने चींटियों को डालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज ही उतारना है, वारा करना है, और दूसरा भुना हुआ आटा ही होना चाहिए। तीसरा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज वार रहे हैं तो उसमें चीनी शुगर ये सब नहीं मिली होनी चाहिए, सिर्फ आटा होना चाहिए भुना हुआ, और उसे अपने एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार करके उसके अंदर मिष्ठान शक्कर बूरा या फिर चीनी ये मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसे चींटियों को डालिएगा, इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अब आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं पितृ अमावस्या पर कहते हैं कि महादान किया जाता है, दान महादान का रूप ले लेता है, यानी इस अमावस्या पर अगर आप दान करते हैं थोड़ी सी मात्रा में चीज़ें तो वो कई गुना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा आपको, इसको लाभ जो है वो आपको देते हैं। तो दान ज़रूर करना चाहिए, अन्नदान और ख़ास करके वस्त्र दान, ये सब चीज़ें दान किसी ऐसे व्यक्ति को दान में देनी चाहिए जिन्हें वाकई ही आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, और साथ में कपड़े और कुछ मिष्ठान, कोई भी एक मिठाई, सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, कोई भी एक मिठाई जो है वो आप दान में दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इससे भी आपकी जीवन में बहुत सारे कष्ट जो है वो उतर जाते हैं और आपका जीवन भी आसान होता है, प्लस आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है इस अमावस्या में, खास करके इस अमावस्या के, यानी भूतड़ी अमावस्या या फिर आप भोमबती अमावस्या या फिर चैत्र अमावस्या कहें, खास करके आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा ले लीजिए, गंगा जल लीजिए और उसमें इनको रख दीजिए। शिवलिंग पर आपने जाकर के गंगा जल और ये नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपने जल डाल दीजिए शिवलिंग पर, और जो थोड़ा सा बचा हुआ जल है वो बाद में डालेगा, और सबसे पहले जल डाल दीजिए शिवलिंग पर एक धार से, जो नाग नागिन का जोड़ा और थोड़ा सा जल बचा है उसे बाद में डालना है। उसके बाद आपने नाग नागिन का जोड़ा निकालना है, शिवलिंग पर रख देना है, जो बचा हुआ जल है वो आपने नाग नागिन पर डाल देना है, वासुकी पर डालना है, और इससे भी आपके कष्ट दूर होंगे, इससे आपका काल सर्प दोष जो होता है वो शांत होता है। वैसे तो ये योग होता है, बट अगर आप इसको दोष समझे, योग समझे, यानी इसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होकर के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होने लगती है, तो आप काल सर्प दोष की भी मुक्ति इसी अमावस्या पर आप पा सकते हैं। और काल सर्प दोष से मुक्ति पाते हैं तो ऐसे लोग बहुत कमाल का विजन होता है, बहुत ही अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की पाते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।